हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक गिल्ट फ्री सूजी वेजी रैप, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप सूजी, और सूजी में हम ऐड करेंगे आधा कप दही और आधा कप पानी, और इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। सूजी, दही और पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रैप की सब्जियों के लिए हमें चाहिए है अनियन, कुकुम्बर, टमाटो, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, मशरूम और लेटस। एक पैन में हम थोड़ा सा लेंगे ऑयल, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। उसमें हम ऐड करेंगे मशरूम, अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकुम्बर, अनियन और हमारी दोनों शिमला मिर्च। टमाटर को और हम लेटस को सबसे एंड में ऐड करेंगे। जैसे हमारी सब्जियां थोड़ी सी सॉटी हो जाए, हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सीजनिंग, हमने ओरिगेनो दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो। हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हमें सब्जियों में क्रंच चाहिए टमाटो, और साथ ही हम गेंद को बंद कर देंगे। वेजेस हमारी अच्छे से सॉटे हो गई है, अब इसमें से कच्चापन नहीं आएगा। अब हम इसके लिए बनाएंगे रैप, जो बनेगा सूजी का। रैप बनाने के लिए जो हमने सूजी, दही और पानी को मिक्स किया था, अब हम इसको थोड़ा सा ना तो गाढ़ा ना ही पतला कंसिस्टेंसी में कर लेंगे। अब हम पैन में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालेंगे, बस खाली ग्रीस करना है, इसमें ऑयल ज़्यादा यूज नहीं करना है हमें। सूजी के बैटर को हम तवे पे फैला लेंगे, पतीले में नहीं, मोटे में रखना है और बहुत ही थिन लेयर में रखनी, नहीं तो रैप टूट जाएगा। जब तक हमारा रैप प्रिपेयर हो रहा है, उसके लिए हमें चाहिए एक ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड दही। ये हमारी दही की ड्रेसिंग प्रिपेयर है, और हम एक लेंगे हरी चटनी। जैसे ही रैप हमारा एक साइड से सीखेगा, तो साइड से किनारे छोड़ देगा और हम इसे पलटेंगे। रैप का जो हमने सूजी का बैटर से बनाया है लेयर, वो अब सीख चुका है। अब हम इस पे अपनी सब्जियां प्लेस करेंगे। अब रैप को हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इस पर डालेंगे ग्रीन चटनी, और ये हमारा कर्ड बेस जो हमने लेयर को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। सब्जियां प्लेस कर दिए, अब हम इस पे थोड़ा सा अपना कर्ड बेस और डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, और अब हम इसे रोल कर देंगे। तो रैप हमारा रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे विद ग्रीन चटनी।